हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। बैटरी के सेल को वाटर से टपिंग करने के बाद में सूखे सूती कपड़े से बैटरी की ऊपरी सतह को हमेशा साफ करें। यह वेंट के छेद को बंद या अवरुद्ध होने से रोक देगा। हमेशा टर्मिनलों के सल्फेशन की जांच करें। अगर सल्फेशन मिल जाए तो उसे साफ करें। सफाई के बाद पेट्रोलियम जेली से उसे ढक दें। बैटरी के कनेक्शन के दौरान कभी भी नट बोल्ट को 8 या 10 छड़ के टॉर्क से अधिक नहीं कसना चाहिए, नहीं तो बैटरी के टर्मिनल टूट सकता है। सभी टर्मिनल के बोल्ट को स्प्रिंग और प्लेन वाले वॉशर के साथ कसना चाहिए। सभी बोल्टों की कसावट को हर 7 से 10 दिन में जांच लेना चाहिए। बैटरी के साथ उचित साइज के केबल का उपयोग करना चाहिए। केबल को प्लग या एमसीबी के साथ मजबूती से जोड़ना चाहिए। हमेशा बैटरी इलेक्ट्रोलाइट को वेंट हॉल कॉलर या पट्टी तक भरने के बाद नियमित अंतराल पर हर 10 से 15 दिनों में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर की जांच करें। बैटरी में हमेशा ही डी मिनरल वाटर का प्रयोग करें। कभी भी घर में उपलब्ध पानी का उपयोग नहीं करें। ऐसा करने से बैटरी खराब हो सकती है या उसका उपयोग समय कम हो सकता है। हमेशा बैटरी को पूरे चार्ज करने के बाद ही उपयोग में लें। अधूरी चार्ज बैटरी को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बैटरी चार्ज करने के बाद चार्जर को बंद कर दें और बैटरी से हटा दें, और उपयोग करने से पहले बैटरी को 1 घंटे छोड़ दें। 1 घंटे बाद ही उसका उपयोग करें। अगर बैटरी 1 महीने तक चार्ज नहीं की है तो उसे दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता रहती है। ऐसा तब होता है जब बैटरी को चार्ज करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाए या उसका उपयोग नहीं हो रहा हो। बैटरी के बेहतर प्रदर्शन के लिए बैटरी को हमेशा साफ रखें, वाटर लेवल का ध्यान रखें, अच्छे तरह से क्लिपिंग करके रखें। चेक करें कि बैटरी के कनेक्शन ढीले तो नहीं हैं। बैटरी के टर्मिनल को आग या चिंगारी से बचाना है तो ध्यान रखें कि वे अच्छी तरीके से कसे हुए हों। बैटरी के कनेक्शन हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही करें। सप्ताह में एक बार केबल कनेक्शन को जरूर चेक करें। बैटरी को हमेशा चिंगारी व आग से दूर रखें। डिस्चार्ज बैटरी को ज़्यादा समय तक डीएक्टिवेट न रखें, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं। बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर बैटरी की लाइफ और हेल्थ पर पड़ेगा। किसी भी धातु की वस्तु को बैटरी पर न रखें, इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बैटरी अगर खराब हो गई है और आपकी काम नहीं आ रही है तो आप अपने आप से उसे नष्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो कोशिश करें कि उसी क्षमता की बैटरी को आप खरीद कर उपयोग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।